रात से मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी. मुझे लग रहा था कि तुम हो आसपास कहीं, पर मैं तुमसे बहुत नाराज हुआ थी. तुम ऐसे सरप्राइज विजिट देने बंद करो. तुम यहीं आ जाओ ना हमेशा के लिए मेरे पास. मैं आजकल बहुत परेशान हुआ थी. दिमाग में ना हजारों चीजें घूम रही हैं. मन करता है कि तुमसे हर बात करूं, तुम्हें सब बताऊं, पर अजीब सा डर लग रहा है. स्कूल के पेरेंट्स टीचर्स ग्रुप में मिस्टर रघुवंशी ने वो हर बात की जो शायद तुम करते आते. वही बातें जो मैंने और तुमने की थी आदि आरव के पैदा होने के पहले. बच्चों को कैसे डिसिप्लिन में रखना चाहिए, उन्हें कैसे प्यार से समझाना चाहिए. वो याद है वो रात रात भर हम बहस किया करते थे. वो भी यही सब बातें करते हैं. और वो पता है रघुवंशी अच्छे आदमी है, पता है मुझे, इसमें कोई शक नहीं. पर मैं नहीं चाहती कि वो इस रास्ते पे चले. मैं उन्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती. तुम सुन रहे हो ना आदि, तो कुछ बोलो ना, बात करो ना मुझसे, मुझे हेल्प करो. मैं फंस गई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ. प्लीज हेल्प मी आदि, प्लीज टॉक टू मी, हेल्प मी आदि, प्लीज आदि, प्लीज टॉक टू मी. मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ. कथा, क्या हुआ? अरे कथा, बोलो क्या हुआ? मीठा जी, मिस्टर रघुवंशी वो सब कर रहे हैं जो मुझे आदि की याद दिला रहे हैं. मैं जितनी कोशिश कर रही हूं उन्हें उन्हें दूर रखने की, उन्हें ब्लॉक करने की, शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, इट्स ओके. मैं काट देती हूँ, बाद में बात करूंगी. नहीं आप, प्लीज लीजिए, मैं ठीक हूँ. आर यू श्योर? उन्होंने आपसे वो शेल्टर होम के बारे में उन्होंने कुछ बात करनी होगी, आप प्लीज ले लीजिए. हाँ नीरज जी, I'm sorry आपको इतनी सुबह सुबह कॉल कर रहा हूँ, लेकिन डिज़ाइनर का फ़ोन आया था, वो बाहर जा रही है और जाने से पहले वो एक बार मिलना चाहती है शेल्टर होम का डिज़ाइन डिस्कस करने के लिए. और मुझे लगता है हमें साथ में मिलना चाहिए ताकि आप अपनी सोच खोल के रख पाएं. क्या कहती हैं आप? ठीक है. Thank you.
ओके क्या हुआ? नीशा जी, आरव के स्कूल के पेरेंट टीचर ग्रुप में एक पेरेंट ने मैसेज किया है कि कैंटीन वाले ने बताया है कि आरव की क्लास के बच्चे कैंटीन से आजकल कुछ खा ही नहीं रहे। ये तो अच्छी बात नहीं है यार, बच्चे घर का हेल्दी खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे। नीशा जी, इस बात की डिस्कशन नहीं है। तो बात यह है कि जो बच्चों को पॉकेट मनी मिलता है कैंटीन के लिए, वो उसे अगर कैंटीन में खर्च नहीं कर रहे तो कहाँ खर्च कर रहे हैं? मंकी, आजकल कैंटीन से कुछ खा रहे हो या नहीं? हाँ, मैं तो रोज कैंटीन का समोसा खाता हूँ। क्यों, क्या हो गया? कैंटीन के लिए जो मैं पॉकेट मनी देती हूँ वो कैंटीन में ही जा रहा है ना? हाँ मम्मा, पैसे वही जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे। लेकिन आप सवेरे सवेरे इतना सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? अरे बाबा, ये सच बोल रहा है। ये रोज स्कूल से आके मुझे बताता है कि कैंटीन से उसने क्या खाया। हमारा आरव हमसे कुछ नहीं छुपाता है ना? ये गुल्लक तोड़ने का प्लान क्यों बन रहा है? मेरे स्कूल के फ्रेंड्स देखना चाहते हैं कि किसके गुल्लक में ज्यादा पैसे। मंकी, गुल्लक सही सलामत है ना? हाँ मम्मा, गुल्लक सही सलामत है। और आप ही ने तो बोला था कि अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगी। चलो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। बाय। यार तुम खामखा टेंशन ले रही हो। आरव ऐसा कुछ नहीं करेगा, लो खाओ। What's up? आज मूड नहीं है यार। बैटमैन की एनर्जी इतनी लो कैसे? कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। कुछ बातें होती है जो सीधा बाहर नहीं निकलती। अंदर ही अंदर ऐसे घूमते रहती है, फिर निकलती है। पर मैंने तो सुना था कि बैटमैन रॉबिन को सब कुछ सीधा सीधा बोल देता। और आपने मुझे पीटीए ग्रुप में ट्रस्ट करके ऐड करवाया था ना? थैंक यू। पता, आजकल पीटीए ग्रुप में बातें चल रही है, कह रहे हैं कि बच्चे आजकल कैंटीन में खाना नहीं खा रहे। आप मुझसे शेयर करना चाहोगे क्यों? आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, आई प्रॉमिस आपसे डिस्कस करके सलूशन निकालूंगा। रॉबिन, मैंने मम्मा से झूठ बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उस तक कभी मैंने मम्मा से झूठ नहीं बोला था। बैटमैन और झूठ, ये तो प्रॉब्लम बड़ी होगी। बोलो रॉबिन, हम सब ना हमारे कैंटीन मनी और गुल्लक मनी को सेव कर रहे थे हमारे एक दोस्त के लिए। इतने सारे पैसे? हाँ, वो हमारा एक दोस्त है, रेयांश। ओके। बहुत अच्छा स्टूडेंट है। हाँ। बट वो EWS स्टूडेंट है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, गरीबी की रेखा के नीचे के बच्चों के लिए जो कोटा गवर्नमेंट ने रखा है। ओके। हाँ।
वो एक्चुअली एक बास्केटबॉल मैच होने वाला है डैड्स वर्सेस सन का, तो उसमें सारे बच्चों को न्यू शूज लेना कंपलसरी है। और शियांश अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि वो न्यू शूज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर सोचा कि हम सब अपना कैंटीन मनी और गुल्लक मनी को सेव करते हैं और उसके लिए न्यू शूज ले लेते हैं और उसे गिफ्ट कर देते हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। दैट इज फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।